spectacular! हेलो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 12 तारीख से पहले पहले एक वीडियो आ जाएगी और वीडियो आ गई है और जो आज हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो आपने पहला क्वेश्चन तो देख लिया होगा जो मैंने लिखा हुआ है वीडियो पे, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया क्या चेंज कर सकती है अपने सेकेंड टेस्ट में। तो अपने पहले पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई करुण नैर इज नॉट इन टेस्ट स्क्वाड। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप उनको सबके साथ लेके गए, इंग्लैंड दौरे पे भी लेके गए, अफ्रीका दौरे पे भी लेके गए, लेकिन एक भी मैच निकला है। और ये तक हुआ कि इंग्लैंड दौरे पे हनुमा वियर को चांस दिया गया लेकिन करुण नैर को नहीं दिया गया, और अब बिना मैच खेले उसको आपने बाहर कर दिया करुण नैर को। तो उससे एक जो प्लेयर का मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है, इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता टीम में भी और कोचेस पे भी और प्लेयर पे भी। एक तो ये चेंज बहुत बड़ी बात है जो करुण नायर को अब टेस्ट के टॉप 15 स्क्वाड में भी नहीं लिया गया। अब मेरे को तो लग रहा है कि मतलब अब अगर करुण नायर को कमबैक करना है तो उनको वापस डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो टीम में आएंगे। तो पहला तो पॉइंट आउट अपना ये था। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि करुण नैर डिज़र्व करते हैं टीम में या नहीं। दूसरा हमारा ये था कि वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल ही वीक टीम नज़र आ रही है अभी, तो सेकेंड टेस्ट मैच में इंडिया काफ़ी चेंज कर सकती है और करने भी चाहिए, क्योंकि जब आपने प्लेयर को टीम में लिया है तो उनको खेलने का मौका तो मिलना ही चाहिए, सीधी सी बात है, ये तो आप भी जानते हो। तो ये कुछ लिस्ट है प्लेयर्स की। अब ये हो सकता है कि विराट कोहली को तो कभी भी आप बदला दे दो, वो तो जब शतक मार देंगे, तो विराट कोहली रेस्ट कर सकते हैं। विराट कोहली की जगह मयंक अग्रवाल को अपने खिला सकते हैं, बिकॉज मयंक अग्रवाल अपना डोमेस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल के आए हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने 2000 रन मारे, तो मयंक अग्रवाल को तो बिल्कुल ही चांस मिलना चाहिए। और आपके हनुमा विहारी को भी चांस मिलना चाहिए, राणे कैप्टनशिप कर सकते हैं। और आपके जो बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, वो पिछले 3-4 महीने में उन्होंने अपने डोमेस्टिक में कम 40-50 विकेट लिए, तो वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में, और उनको एक चांस देने का बहुत ही अच्छा मौका है ये कि वो ये उसमें चांस दे सकें। तो आप मोहम्मद शमी को वेट करवा सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दो स्पिनर हैं अपने, जडेजा और अश्विन, दोनों में से किसी को भी रेस्ट करा के कुलदीप को मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज चांस सबको मिलना चाहिए तभी आपकी एक टीम बनेगी। और अगर आप पृथ्वी शॉ को अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए देख रहे हैं तो पृथ्वी शॉ से बिल्कुल ओपनिंग कराएं, और जितना हो सके पृथ्वी शॉ का उतना यूज लें, बिकॉज पृथ्वी शॉ इज जस्ट लाइक अ सेकेंड वीरेंद्र सहवाग, ये बहुत ही फियरलेस प्लेयर है और बहुत ही अच्छा खेला है। और एक और क्वेश्चन था मुरली विजय, जो अभी अपने डोमेस्टिक लेवल में भी काफ़ी अच्छा खेल के हैं और इंग्लैंड दौरे पे वो ड्रॉप आउट हो गए थे। मेरे को समझ नहीं आया ड्रॉप आउट क्यों किया उनको, और अभी वो अपना डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा खेल के हैं, तो उनको भी टीम स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि पुजारा राणे ये दोनों एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो ये दोनों तो टीम से बाहर निकलने कोई चांस ही नहीं है क्यों, और ना ये निकलने चाहिए क्यों, क्यों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। और ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि टेस्ट मैच में विकेट कीपर है कोई, नहीं तो पहले अभी तक कोई नहीं है। वैसे तो कोई आएगा भी नहीं धोनी के टक्कर का, तो कोई भी नहीं आएगा, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मेरे को बताएं कि मैंने जो जितनी भी बात बोली है वो सही बोली है या नहीं, और अपने ओपिनियन प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उस हिसाब से उतनी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए MS धोनी के ऊपर बनाऊँ, इंस्पिरेशन स्टोरीज जिन प्लेयर की उन पर बनाऊँ, फिटनेस पर बनाऊँ, मैं सब पे वीडियो बनाऊँगा, ये मेरी पहली वीडियो है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
बस और आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके और आपको क्रिकेट की अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। थैंक यू एंड गुड नाइट।